वेलकम टू विकेतन पैराडाइज। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। विकेतन पैराडाइज में आप सभी का स्वागत है और इस बार हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया व्लॉग, यानी कि कहें तो पुराने व्लॉग का ही हम एक पार्ट लेके आए हैं। हमने किचन गार्डन जो हमारा व्लॉग था उसको हम आपको दिखाएंगे कि उसका एंड रिज़ल्ट क्या है, कितना बढ़िया हमने वो, हमारे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, काफ़ी अच्छा और सुंदर बन गया है। और इवन फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स हम उसी किचन गार्डन से लेंगे, क्यों? यस, सो हम कल शिमला जा रहे हैं और हम इस बार अपने साथ लेके जाएंगे अपने किचन गार्डन की फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स। सो आइए आप लोगों को भी दिखाते हैं हमारे किचन गार्डन में कौन कौन सी वेजिटेबल लगी है। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो करें। और अब हम दिखाते हैं आपको हमारा छोटा सा गार्डन। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर किचन गार्डन, जो आप लोगों ने हमारे सेकंड व्लॉग किचन गार्डन व्लॉग में छोटा छोटा देखा था वो अब काफ़ी बड़ा हो गया है और उसमें खूब सारी वेजिटेबल्स लग गई है। सो आए आप लोगों को दिखाते हैं कि कितनी सारी वेजिटेबल्स लगी है। और वो उधर मम्मी जो है हम लोगों की हेल्प करेंगे वेजिटेबल तोड़ने में, क्योंकि इन्होंने खूब सारी वेजिटेबल्स खा ली है। अब हमारी बारी है इस गार्डन से वेजिटेबल खाने की। व्यूवर्स, ये देखिए लग चुके हैं अपने गार्डन में सब्जियां तोड़ने। ये कैप्सिकम, शिमला मिर्च टूट रही है, कितनी सारी लगी है। काफ़ी सारी लगी हुई है। तो व्यूवर्स, अगर आप देखेंगे हमारा पुराना ब्लॉग उसमें ये चीज़ें सारी काफ़ी छोटी छोटी थी, बट अब ये सारी चीज़ें काफ़ी बड़ी हो गई है। कैप्सिकम, शिमला मिर्च, चिली, ग्रीन चिली, अपनी मिर्चें और जो रेड चिली बनेगी बाद में, सो रेड चिली और ग्रीन चिली दोनों है, एंड इवन कुकुम्बर है, खीरा है, एंड पहाड़ी काकड़ी है, और आपके काफ़ी यस एंड ब्रिंजल भी है, बैंगन। ये रहा ब्रिंजल यहाँ पे, ये रहा ब्रिंजल। Yes, it's a tough task. But, हम पूरी कोशिश करेंगे। And इसी स्ट्रक्चर की वजह से ये सारा लगा है। काफी ज़्यादा। ये आप लोग देख रहे होंगे इधर हमारा कुकम्बर और यहाँ पे छोटे छोटे कुकम्बर और लग रहे हैं। तो फिलहाल हम इसे तोड़ देंगे आज डिनर के लिए, डिनर सलाद। बस ये देखिए लेडी फिंगर, हमारे पास भिंडी भी है जो कि पिछली बार तो खैर ये ऊपर इनके पत्तियां डालियां कुछ नहीं थी और अब तो खैर इनमें लग गई है प्रॉपर और कभी भी हम इन्हें दो चार दिन के अंदर तोड़ सकते हैं लेडी फिंगर। सो वी हैव राउंड अबाउट ऑल वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स लगभग, एंड हियर वी हैव टोमेटो, टमाटर भी हमारे पास है। ये देखिए अभी छोटू छोटू है, ये मोटू मोटू इन बड़े हो जाएंगे। व्यूवर्स ये देखिए मेहनत का फल, एक और लौकी, ये रही लौकी भी है हमारे पास और आप देख सकते हैं फ्लावर कितने प्यारे हैं इसके और बेल कहाँ तक पहुँच चुकी है ऊपर तक। सो जो ये स्ट्रक्चर भी बाकी का हमने इधर को खड़ा किया था, इनका भी यही पर्पस था। एंड अब हम जा रहे हैं हमारे बैकयार्ड गार्डन में। ये भी लगभग पूरा तैयार हो चुका है। सो आप देख सकते हैं व्यूअर्स हाउ बिग इट इज और काफी साफ, काफी अच्छा जो हमने बनाया था, उगाया था।
एंड व्यूअर्स, ये हमारा न्यू पोर्शन है, आप देखेंगे तो इसमें हमने चिली ही लगाई है। ये अभी अभी तैयार किया है, ये उस टाइम नहीं था जिस टाइम पहला व्लॉग हमने डाला था किचन गार्डन पे। सो व्यूअर्स, ये देखिए रिजल्ट, वी हैव ब्रिंजल, कैप्सिकम, कुकुम्बर, चिली, यानी कि आप माने तो हर एक चीज़ लगभग है। टोमेटो एंड ऑल जो है वो अभी तैयार नहीं हुए है। जो हमने किचन गार्डन का व्लॉग बनाया था उसमें काफ़ी छोटा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था अगर आप चेक करेंगे, बट अब रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है। पूरा ऑर्गेनिक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना स्प्रे है ना बाद है, फुल ऑर्गेनिक वेजिटेबल, वो भी होममेड। क्यों? यस, और वो भी अपने घर की। आपको अगर ये व्लॉग पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है हमारी मेहनत, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो करें जी। और जब हमने सेकंड व्लॉग डाला था तो हम लोगों को कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जब उसमें वेजिटेबल्स लग जाएगी तो हम आपको फिर से अपना किचन गार्डन दिखाएं। सो स्पेशली आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हमने ये व्लॉग बनाया है। सो थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग अस। आप लोग एंजॉय द वेजीज़।